महाराष्ट्र की काया पलटने वाला है, क्योंकि इट्स अ डिफाइनिंग प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। अभी रिसेंटली आई एम श्योर सबको मालूम है कि भारत ने यूके को क्रॉस किया इन टर्म्स ऑफ बीइंग द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, और आज की तारीख में मैं समझता हूँ भारत जैसी मार्केट उनके पास कहीं और नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र की काया पलटने वाला है, क्योंकि इट्स अ डिफाइनिंग प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। इस समय हमारे पास इस साल 150 से ज़्यादा कंपनीज आई हैं, लेकिन 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और इनोवेशंस हैं, टेक्नोलॉजीज हैं जो फ्लोर पे डिस्प्लेड हैं। इनफार्मा मार्केट्स इंडिया द्वारा वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट इंडिया का 8वां संस्करण बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर मुंबई में शुरू हुआ। इस प्रदर्शनी ने सभी हितधारकों को इस क्षेत्र में तकनीकी विकास और उभरते रुझानों सहित कंक्रीट निर्माण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के हर पहलू पर चर्चा करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। वर्ल्ड कंक्रीट इंडिया 2022 का आयोजन 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2022 को बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर मुंबई में किया गया। वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट इंडिया देश के प्रमुख व्यापार मेलों में से एक है जो कंक्रीट को समर्पित है, जहां सैकड़ों प्रदर्शन सीमेंट से लेकर कर पंप फिकास्ट नव निर्माण उत्पादकों प्रौद्योगिकीकरण मिश्रण प्रशिक्षण और मरम्मत और बहुत कुछ दिखाने के लिए भाग लेते हैं। एग्जीबिशन में इस दौरान जब हमारी टीम पहुंचती है, वहां के ग्रुप डायरेक्टर सीनियर ग्रुप डायरेक्टर से चर्चा की तो उन्होंने क्या कुछ कहा सक्षम न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत में, इस प्रदर्शनी को लेकर किस तरह से आयोजित किया गया और क्या कुछ रिस्पॉन्स है, इन सभी खास चर्चा के लिए बात की। देखिए क्या कुछ कहना था यह खास रिपोर्ट मुंबई से। जो रिकॉर्ड टूटा है वो एक रिफ्लेक्शन है कि इंडस्ट्री को हमारा शो किस तरह से पसंद आया है। रिकॉर्ड बनाने के लिए हमने शो नहीं किया, लेकिन रिकॉर्ड बन गया, और जब बन गया और तो यूं ही अच्छा लगता है। तो हमें ये लगता है कि जो हमने मेहनत की और जो हमने जिस उद्देश्य के साथ हमने शो को पुटअप किया है, और 150 से ज़्यादा कंपनीज हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा इवेंट है स्केल एंड साइज़ के अंदर, लेकिन मैं एक चीज़ का बहुत प्राइड फील करता हूँ कि रिच बहुत है। वही जैसे मैंने शुरू में कहा कि स्क्वेयर मीटर्स, नंबर ऑफ क्लाइंट्स, वो अच्छी जगह है, वो भी होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि बी टू बी शो है, बी टू बी इवेंट में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अगर हमारे एग्जिबिटर्स को, विजिटर्स को रिटर्न मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, दे आर नॉट बॉदर्ड कि 50 लोग ज़्यादा आए हैं या कम आए हैं। उन्हें ये होता है कि जो आया है वो किस काम का है, उसने कितना बिजनेस की लीड्स उनको लिए जनरेट की हैं। और मेरे ख्याल से कल से लेके आज तक 2 दिन में मैंने सारा फ्लोर विजिट किया है, एटलीस्ट 90% मैंने फ्लोर विजिट किया है। हर कंपनी का जो रिस्पॉन्स रहा है वो ये रहा है कि सर आप हमें अगले साल का हमारे साथ डिटेल्स शेयर करें, बिकॉज हम अगले साल कहीं ज़्यादा बड़ा लेना चाहते हैं। 18 स्क्वायर मीटर वाले कह रहे हैं हमें अगले साल 100 स्क्वायर मीटर लेना है, लोग कह रहे हैं कि हमें इंडोर के साथ साथ अगली बार आउटडोर भी लेना है। सो जैसे जैसे हमें फीडबैक्स मिल रहे हैं, और अभी तक का फीडबैक बहुत एनकरेजिंग है। एग्जिट गेट पर हमारा कस्टमर इनसाइट लाउंज है, और उस पर एक हमने वॉल बनाई हुई है कि कस्टमर्स का क्या फीडबैक है शो के बारे में। अगर आप उसको देखेंगे ना, तो हम शायद इस इंटरव्यू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने अच्छे और इतने खुश कर देने वाले रिमार्क्स हैं कि हमें कई बार लगता है कि क्या हमने वाकई में इतना अच्छा काम किया है। हम नहीं जानते, लेकिन जब इंडस्ट्री बताती है कि आपने वाकई इस स्टैंडर्ड का काम किया है और इस लेवल का आपने शो खड़ा किया है, तो अपने आप पे गर्व भी महसूस होता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये कोई एक इंसान नहीं कर सकता, ये एक टीम का काम है, और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। चाहे वो हमारे मार्केटिंग की सपोर्ट है, हमारे सेल्स की टीम है, हमारे ऑपरेशंस की टीम है जिन्होंने इसे सब इवेंट खड़ा करने में हेल्प किया है, हमारी पीआर की टीम है जिनके कारण इतना मीडिया आया है। और मीडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि दे हैव अ पावर ऑफ द पेन। महाराष्ट्र की काया पलटने वाला है, क्योंकि इट्स अ डिफाइनिंग प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। डिफाइनिंग प्रोजेक्ट मैंने इसे डिफाइनिंग मीन्स इतना बड़ा लैंडमार्क है कि, और September 23 में जो इंडिकेशन आ रहे हैं कि तब तक ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, मतलब एक आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग मार्वल है। और ये उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, एक धारावी के अंदर बहुत बड़ा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है, और वो धारावी की काया पलट के रखेगा जितनी। और हमें जो श्री श्रीनिवास साहब जो आए हैं, जो MMRDA से हमारे यहाँ जो आए थे, उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट किया है कि अगले साल पूरी उम्मीद है कि हमारा जो ये नेस्को ग्राउंड है, ये मेट्रो की कनेक्टिविटी से
जुड़ जाएगा। जैसे पीएम मोदी का भी एक सपना है कि अपना जो भारत है वो काफी डेवलपमेंट हो, और उसे हमें अमेरिका से भी चैलेंज कि अमेरिका और बाहर के सिटी स्टेट जैसे हमें बनाना है, तो क्या देखते हैं कि आप भी उसमें उनके साथ जुड़कर और इस तरह के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाने की आपकी क्या इंटेंशन है? देखिए, मैं बहुत ज्यादा बड़े शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा कि हम बहुत जल्द अमेरिका को पार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया जो टेक्नोलॉजिकल इंटेलेक्ट है इंडिया की, वो पूरे वर्ल्ड में रिनाउंड है। हम लोग जिस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, हमें अपनी को स्पीड को एक्सेलरेट करना है। और जैसे मैंने कहा, एक्सेलरेशन का दो ही फॉर्मूला है, दो ही मंत्र हैं, एक इनोवेशन और दूसरा टेक्नोलॉजी। ये आपको देखे टेक यू अहेड ऑफ द क्यू। अभी रिसेंटली आई एम श्योर सबको मालूम है कि भारत ने यूके को क्रॉस किया इन टर्म्स ऑफ बींग द फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी। नाउ द ट्रेंड्स आर कि अब नेक्स्ट हमारा जापान है, सॉरी आई थिंक नेक्स्ट हमारा जर्मनी है, जर्मनी के बाद फिर जापान है, एंड वी आर नॉट टू फार। सो भारत में पूरी पोटेंशियल है कि हम लोग बहुत जल्दी उस स्पीड पे पहुंच सकते हैं। और आई थिंक आज की तारीख में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनके पास इनोवेशंस हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उन्होंने इनोवेशन तो डेवलप कर ली, टेक्नोलॉजी तो लैब में डेवलप कर ली, बट उसको कमर्शलाइज करने के लिए दे नीड मार्केट्स। और आज की तारीख में मैं समझता हूँ भारत जैसी मार्केट उनके पास कहीं और नहीं मिलेगी। और जिस हिसाब से प्रोग्रेस चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है जिसे हम लाइफलाइन ऑफ एन इकॉनमी बोलते हैं, इंजन ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, और जितने एलोकेशंस हो रहे हैं, बजटरी एलोकेशंस, उस हिसाब से अगर आप देखें तो भारत बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन हमें अपनी स्पीड को और बढ़ाना है। वो तभी हो पाएगा जब टेक्नोलॉजीज को हम लोग यूज़ करेंगे। और मतलब आज के समय पे कोई भी बिल्डर्स, जिस तरह से अगर आप कोई बिल्डिंग्स को खड़ा कर रहा है या फिर रोड सड़क की बात हो, तो उन्हें भी टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए जी, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आजकल हमारे हर डे टू डे लाइफ स्टाइल के अंदर जुड़ चुकी है। चाहे हम मोबाइल की टेक्नोलॉजी की बात करें, कोई भी टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हर टेक्नोलॉजी तब तक फायदेमंद होती है जब तक वो आपकी लाइफ को आसान नहीं बनाती। जिस तरह से आपने देखा कि कंक्रीट को लेकर जिस तरह से बात की रंजीत जी ने, काफ़ी जानकारी, तो रंजीत जी अब मैं आगे अगर हम चले, हम कंपनियों की बात करें, तो कितनी कंपनियां हैं जो यहां पर इस एग्जीबिशन में जिनको हम देख पा रहे हैं, और किस तरह से फाइनलाइज किया कि यही बेस्ट होंगी कि हमारे एग्जीबिटर जो भी हमारे विजिटर आते हैं उनके लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी आप उन्हें प्रोवाइड करा सके इस एग्जीबिशन के माध्यम से, क्योंकि कंपनी की अगर हम बात करें तो कितनी कंपनियां होंगी? देखिए, इस समय हमारे पास इस साल 150 से ज़्यादा कंपनीज आई हैं, लेकिन 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और इनोवेशन हैं, टेक्नोलॉजीज हैं जो फ्लोर पे डिस्प्लेड हैं। तो क्या लगता है इन्फिनिट गुडक्राफ्ट जो है वो कितने अच्छा टेक्नोलॉजी से जुड़ता है, और कितना अच्छा अगर जो भी बिल्डिंग है या कुछ भी जब हो रहा है उसमें अगर हमें इस कंपनी को लेके जाते हैं तो कितना कुछ प्रोवाइड करा सकता है, इसको कितना आपने समझाया? देखिए, बहुत यूजफुल है इनकी टेक्नोलॉजीज, जो ये शटरिंग के लिए जो इनकी प्राइस लगती हैं, इनकी जो प्राइस हैं दे आर ऑल एनवायरमेंट फ्रेंडली, राइट। और आज की तारीख में देखिए, मोदी जी इन्हें एक COP26 में एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि भारत आने वाले समय में 2070 में नेट ज़ीरो देश बनेगा, और नेट ज़ीरो के लिए, अगर भारत को नेट ज़ीरो बनना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर सेक्टर उसके अंदर योगदान दे। और चूंकि ये कंक्रीट कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, और अब सीमेंट प्लांट्स हैं या स्टील के प्लांट्स हैं, 24/7 उनके प्लांट्स चलते हैं, तो बहुत बड़े स्केल पर उनके एमिशन्स होते हैं। तो इन इस सेक्टर की बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह निभाए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।